थाना ज्वाला जी के तहत जहरीला पदार्थ निगलने से 19 वर्षीय युवक की मौत का मामला सामने आया है। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए देहरा अस्पताल में भेज दिया है। डीएसपी देहरा लालमन शर्मा ने मामले की पुष्टि की है। थाना ज्वाला जी के तहत जहरीला पदार्थ निगलने से 19 वर्षीय युवक की मौत होने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए देहरा अस्पताल में भेज दिया है। मृतक युवक की पहचान सुमन पुत्र सुभाष निवासी सीहोर पाई रेंखा के रूप में हुई है। डीएसपी देहरा लालमन शर्मा ने मामले की पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर को अचानक सुमन की तबीयत बिगड़ने के चलते उसके परिजनों द्वारा उसे ज्वाला जी अस्पताल लाया गया, जहां अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इधर सुमन के पिता काम के चलते घर में नहीं थे, लेकिन जैसे ही उन्हें बेटे की तबीयत के बिगड़ने की सूचना मिली वे तुरंत अस्पताल पहुंच गए। सुमन के पिता का कहना है कि बेटे को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, जिसके चलते वे इस तरह का कदम उठाए। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद ही सुमन की मौत कैसे हुई है इसका खुलासा होगा। फिलहाल पुलिस की इस मामले को लेकर जांच जारी है। ज्वाला जी अस्पताल के बीएमओ डॉक्टर सतेंद्र वर्मा ने कहा कि अस्पताल में युवक द्वारा गलती से जहर निकलने का मामला सामने आया था। इस बारे स्थानीय पुलिस को भी सूचित कर दिया गया था। युवक की कंडीशन ज्यादा खराब होने के चलते उसने दम तोड़ दिया। इस बीच थाना प्रभारी पुरुषोत्तम धीमान के नेतृत्व में एएसआई बलदेव ने अस्पताल पहुंचकर सभी लोगों के बयान दर्ज किए। उसको काफ़ी सीरियस था, हमने ट्रीटमेंट दी और उसको इन्फॉर्म करके उसको टांडा के लिए भेज दिया। इतने टाइम में वो गाड़ी 108 में शिफ्ट कर रहे थे, वहाँ उसकी डेथ हो गई। पुलिस के बारे में हमने तो फिर उसको उसकी बॉडी पुलिस को हैंड ओवर कर दी है और पोस्टमार्टम के बाद लगे पता पहुँच गया। बताया जा रहा है कि जब सुमन द्वारा ये कदम उठाया गया उस समय घर में कोई भी मौजूद नहीं था, घर में अकेला था। बताया जा रहा है कि जैसे ही सुमन की मां घर पहुंची तो उसने देखा कि सुमन आंगन में उल्टियां मार रहा है। इस बीच जैसे ही सुमन की हालत बिगड़ी तो उसकी मां ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बोलकर उनकी मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि सुमन ने 12वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया था और वह घर में ही रहता था।